बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जानी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीब रहमान शामी साहब। शामी साहब, आज की अहम खबरों में खबर यह है कि नवाज शरीफ साहब की तिब्बी बुनियादों पर दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। और फिर कल प्रोग्राम में हमने शाकिर सोलंगी साहब, हमारे सीनियर नुमाइंदे, उनके साथ गुफ्तगू की थी और आपने भी फरमाया था कि जरदारी साहब के प्रोडक्शन आर्डर जारी हो सकते हैं और कल रात 10:15 पर जारी। ख्वाजा साहब के भी जी, और वो बेचारे जी दो जो कबाइली इलाकों के हैं उनके नहीं हो सके, वो उनके नहीं जारी हो सके। आज बारह आज जरदारी साहब आए असेंबली में, अली वजीर और मोहसिन दावर। और मोहसिन दावर आज जरदारी साहब आए, कौमी असेंबली में खिताब भी किया, फिर बाद में मीडिया से भी गुफ्तगू की। बड़ी अहम गुफ्तगू थी, कई नुकते ऐसे हैं जिन पर बात हो सकती है। कुछ ऐसी गुफ्तगू भी है जिसको अगर यूँ कहा जाए कि शायद वो हुकूमत को कोई पेशकश कर रहे हैं तो गलत ना होगा। फिर असद उमर साहब बोले हैं, साबिक वज़ीर ख़जाना, और उन्होंने अपनी हुकूमत के बजट पर ही तनकीद की है और साथ कुछ मशवरों से भी नवाजा है मौजूदा उन अफराद की टीम को जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी को देख रही है। साथ साथ आपको ये बताएं कि सिंध असम्बली के अजलास बुलाए जाने का जो मामला जिस पर गवर्नर ने एतराज़ किया था कि अरकान के दस्तखत जाली हैं, गैर कानूनी अजलास करार दिया जा रहा है गवर्नर के बकौल, ये मामला क्या है इस पर तफसील से बात करेंगे। और फिर शेख रशीद साहब का भी जिक्र, क्योंकि आज हैदराबाद में जिना एक्सप्रेस माल गाड़ी से टकराई है, उस पर शेख साहब का एक बयान चल रहा था कि मुतल्लिका अफसरान मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। सियासी गुफ्तगू तो खूब करते हैं लेकिन अपने महकमे पर भी तवज्जो गालिबन उन्हें ज़्यादा करनी चाहिए। ये मामला था आज के साथ जिन पर हम बात करेंगे। इन सब पर बात करने से पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब एक बार फिर कौम से मुखातिब होंगे और कल वो कौम से खिताब करेंगे रात के 12 बजे। मेरा ख्याल कल की तरह ताखीर, माजी की तरह ताखीर नहीं होगी। और जो पिछले खिताब में जो ऑडियो वीडियो के जो मसाइल थे वो अब नहीं होंगे और इस खिताब से वो वाले मामला भी दूर हो जाएंगे जो पिछली बार काबिले आप कैसे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। हाँ, अब चूंकि जिन लोगों से पहले खिताब की रिकॉर्डिंग करवाई गई थी, मेरी इत्तला ये है कि वो रिकॉर्डिंग नहीं किसी और जगह से करवाई जाएगी। और दूसरा ये है कि एमनेस्टी टैक्स एमनेस्टी के मुतालिक उनके खिताब का हिस्सा जो है अक्सर उससे मुतालिक होगा। चलिए देखते हैं एक बार फिर कौन से मुखातिब होंगे, तारीख पर रोशनी नहीं डालेंगे। ये अब मैं तो नहीं कह सकता। जंगे बदर पे, जंगे ओहद पे, मदीने की रियासत पे, आप ये तो आपने खुद कल कह रहे थे कि ऐसा वज़ीर आज़म तो मिलन जो बात करता है सहाबा कराम पर, कल आपने खुद फरमाया नहीं नहीं ये तो मैं, मुझे बड़ी खुशी होती जब वो मदीने की रियासत का जिक्र करते हैं। देखिये, एक मदीने की रियासत को ना एक उन्होंने जिंदा तस्वर उसका पेश कर दिया कौम के सामने, उसका बार बार उसका रेफरेंस आता है और हम उस पर गौर करते हैं कि मदीना जो था कैसी रियासत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी और उसके जो बुनियादी असूल हैं वो हमारे सामने आते हैं। लेकिन ये जिक्र जो है कुछ एहतियात का तकाजा भी करता है ना, तो इसमें कोई ये ऐसी बात तो है नहीं जैसे मुग़लों की हिस्ट्री का जिक्र कर लें या ख़ानदान ग़ुलामा का जिक्र कर लें। तो ये ज़रा कल इधर एहतियात, कल बड़ी उम्मीद है खान साहब के खिताब से, कल एरर्स नहीं होंगी ऑडियो की, वीडियो की, ज़ुबान तर्जमा के वाक़यात की। एक के बड़ा मशहूर शेर है फारसी का, फिर उसका तर्जमा किया है मौलाना कौसर नियाज़ी ने, वो क्या है कि ले सांस भी आहिस्ता जी के दरबार नबी है, वाह वाह वाह, खतरा है बहुत सख्त यहाँ बेअदबी का। क्या बात, एहतियात जो अल्लाह अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने ये अपने ईमान वालों को सरजश की कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में उनकी जुबान उनकी आवाज़ से ऊंची आवाज़ ना हो जाए, ऐसा ना हो तुम्हारे सारे अमाल जो हैं वो जब्त कर लिए जाएं, हब्त कर लिए जाएं और तुम्हें उसकी खबर भी ना हो। इसलिए जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अथर पे हाजिर होते हैं तो उस वक्त भी आवाज़ को पस्त रखा जाता है, यानी जितनी आवाज़ पस्त हो सकती है उतनी रखी जाए। सही है, चलें अब तो बाकी कल खिताब में सुनेंगे क्या गुफ्तगू होगी, तो ये मौजू कल तक के लिए उधार। अब आ जाते हैं जी आज की अहम खबर। नवाज शरीफ साहब की तिब्बी बुनियादों पर दरख्वास्त जमानत मुस्तरद हुई है, दो रुकनी बेंच ने ये फैसला आज सुनाया है। अदालत के रिमार्क्स बड़े अहम थे, ख्वाजा हारिस साहब की जो इस्तदा थी उसका मतन बड़ा अहम था, जो नायब प्रोसिक्यूटर हैं जहाँ से भरवाना उनके जो मुखालफत में दलाइल थे वो भी बड़े अहम थे। वो तो नहीं, कई रिमार्क्स तो ऐसे थे कि लग रहा था कि बेल मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल, लेकिन अदालत के रिमार्क्स जो हैं बाज़ोकात बड़े मिसलीडिंग होते हैं, वो प्रोबिंग क्वेश्चंस होते हैं जी, उनसे कुछ गलत फहमी भी पैदा हो जाती है। बिल्कुल, तो ख्वाजा हारिस साहब को भी कुछ ना कुछ हुई होगी, सारी बात है। और आज तो देखिए नवाज शरीफ साहब से मुलाकात का दिन था, मरियम नवाज मिली हैं, शहबाज शरीफ साहब मिले हैं,
उनके जो उनकी पार्टी के लोग नहीं मिल सके, हम हमारी ख्वाहिश भी थी उनसे मिलने की, हम भी नहीं मुलाकात कर सके। लेकिन मरियम ने मिलने के बाद फिर ट्वीट किया है और कहा है कि मैं उनको इंसाफ दिला के रहूंगी और लड़ती रहूंगी उनका मुकदमा। बड़े जोर के साथ उन्होंने एक ट्वीट किया है जी। अच्छा, आमिर सईद अब्बासी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। आपको जहमत इसलिए दी कि ये बयान कीजिए कि आज अदालत में कितनी तवील थी ये समाअत। जैसे शाम साहब भी कह रहे थे कि वहाँ पे कुछ ऐसे रिमार्क्स जिससे यूं तासुर मिला कि शायद बेल होने जा रही है। ख्वाजा साहब की बुनियादी इस्तदा क्या थी, कोर्ट के रिमार्क्स क्या थे? फैसला आ गया अब तो रिमार्क्स के क्या अहमियत है? जामी साहब, इस्लामाबाद। हाँ जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जब समाअत हो रही थी, नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जमानत पर रिहाई की इस्तदा थी। इसमें 2 घंटे से ज़ायद का वक्त लिया ख्वाजा हारिस ने। गुज़श्ता रोज़ भी उन्होंने 1.5 घंटे दलाइल दिए और आज भी 2 घंटे तक वो दलाइल देते रहे, और उनकी यही इस्तदा थी कि नवाज शरीफ को ऐसी बीमारियाँ हैं जिनका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है, और सेकेंडली ये कि वो क्योंकि अपने जो उनके पहले से डॉक्टर्स हैं उन्हीं से वो प्रेफरेबली इलाज करवाना चाहते हैं जो बैरून मुल्क हैं, लिहाजा उनको इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना है, और जेल में रहने की वजह से वो हाइपरटेंशन का शिकार हैं, शदीद ज़हनी दबाव है जिसकी वजह से उनकी सेहत बतदरीज ख़राब हो रही है और उनको बैरून मुल्क भेजे जाना है इलाज के लिए, लिहाजा उनको ज़मानत दे दी जाए। इसमें जब फाजिल जजेस थे वो क्वेश्चंस जो कर रहे थे वो अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे थे, उसका हरगिज जजमेंट से तो कोई ताल्लुक नहीं होता आमतौर पर भी, लेकिन जो क्वेश्चन थे वो अंडरस्टैंडिंग के लिए ये थे कि आप जब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ शदीद ज़हनी दबाव में हैं तो वो तो हर शख्स ही जो जेल में जाता है वो तो ज़हनी दबाव में ही रहता है। फिर जब ख्वाजा हारिस ने कहा कि उनको जो बीमारियां हैं वो ऐसी हैं जिनका पाकिस्तान में इलाज नहीं है, तो इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि मुख्तसरन आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की जो बीमारियां हैं उनका पाकिस्तान में इलाज नहीं है और कोई डॉक्टर उनकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, ये ख्वाजा हारिस अपने दलाइल में कह रहे थे। फिर ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल में परवेज़ मुशर्रफ और डॉक्टर आसिम केसेस का हवाला दिया कि उनको इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी गई, लेकिन उस पर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि आप ये कह रहे हैं कि आपके भी मौक्ल को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने दे दिया जाए, लेकिन आपने अपनी प्रेयर में जो आपने दरख्वास्त की है उसकी प्रेयर में लिखा ही नहीं है कि आपका नाम ECL से, जी उसमें इस्तदा ही नहीं है, और इसकी वजह से उनको एक जो उनकी दरख्वास्त मुस्तरद होने की बुनियादी वजह थी वो यही थी कि उन्होंने बार बार अपनी ग्राउंड जो ली वो ये ली कि उनको इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना है, लेकिन उन्होंने अपनी प्रेयर में नाम ECL से निकालने की इस्तदा नहीं की। ये एक टेक्निकल मिस्टेक भी थी। दूसरा, जो नैब प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने अपने दलाइल में कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट नज़रसानी केस जब डिसाइड की थी जब नवाज शरीफ साहब की 6 हफ्तों की जमानत ख़त्म हुई, तो जो नज़रसानी की दरख्वास्त थी नवाज शरीफ की उसको जब सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद किया तो वो तमाम बीमारियां जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जिन ग्राउंड्स पर जमानत नहीं दी और जमानत एक्सटेंड नहीं की थी उन्हीं को बुनियाद बनाकर आज अदालत आलिया कैसे, हाई कोर्ट कैसे बेल ले सकती है, लिहाजा एक बीमारियों के ग्राउंड्स पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं ली और उसके बाद कोई ऐसी नई बीमारी सामने नहीं आई, ये वो तमाम बीमारियाँ हैं जिसमें किडनी है, कार्डियक है, इसके अलावा शुगर है, डायबिटीज़ के जो जिस पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर का है। आमिर, ये बताइए, असल में बात यह है ना, बीमारी तो घटती बढ़ती रहती है। जो सुप्रीम कोर्ट का जब की समाअत हो रही थी, अगर उसके बाद जो उन्होंने दरख्वास्त दायर की को अगर कोई ताज़ा डेवलपमेंट थी तो उसके बाद उस मामले पर गौर हो सकता है, लेकिन ये बताइए कि अब उनके सामने क्या ऑप्शन है? वो दूसरी दरख्वास्त भी दे सकेंगे या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या एक दूसरी ग्राउंड पे दरख्वास्त दे देंगे, मेरिट की बुनियाद पर जमानत की दरख्वास्त दे सकेंगे? जी शामी साहब, 2 ऑप्शंस हैं। नवाज शरीफ साहब ने अपना जो मेन उनका मेरिट के ऊपर जमानत का फैसला होना है वो अभी तक अवेल नहीं किया। सबसे पहले उन्होंने जनवरी में जब सज़ा हुई थी तो मेरिट के ऊपर उन्होंने बेल की इस्तदा की थी, लेकिन 15 जनवरी के बाद जब उनकी सेहत ख़राब हुई तो ख्वाजा हारिस ने जो मेरिट के ऊपर जमानत की इस्तदा थी वो वापस ले ली थी, विड्रॉ कर ली थी कोर्ट की परमिशन से, और उसके बाद जो तिब्बी बुनियादों पर जमानत की इस्तदा थी उसके ऊपर स्ट्रेस किया था, उसके ऊपर फोकस किया था, और फिर फरवरी 2019 में उनकी ये दरख्वास्त हाई कोर्ट से मुस्तरद हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट गया मामला, 6 हफ्तों की जमानत हुई, सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरख्वास्त मुस्तरद की। अब इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, और दूसरी सूरत यह है कि वो मेरिट्स के ऊपर अपनी बेल फाइल कर दें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन उसमें स्कोप, क्योंकि एवनफील्ड केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कम स्कोप कर दिया है मेरिट्स के ऊपर बेल का, क्योंकि उसमें यह कहा गया है कि एक्सट्रीम हार्डशिप होगी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेज होंगे, इन 2 ग्राउंड के ऊपर बेल हो सकती है, लिहाजा मेरिट्स के ऊपर स्ट्रेस ज्यादा नहीं कर रहे।
नवाज शरीफ साहब, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसने नैब के लॉ को मजीद सख्त कर दिया, उसकी एक नैरो इंटरप्रिटेशन कर दी है, और एवन फील्ड वाले में, और एवन फील्ड वाले में ये जो इस ये उनकी अपील हुई थी जो नैब की तरफ से, लेकिन आप अब ये मामला है एग्जैक्टली सात साल कैद है ना इस मुकदमे में, जी हाँ जी 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 जी, जी। चलिए अलजीजिया में सात साल कैद है, आपकी कोई बात तो नहीं ख्वाजा हारिस से, वो क्या करेंगे जी? ख्वाजा साहब ये कह रहे थे कि हम मेडिकल ग्राउंड्स पर ही स्ट्रेस करना चाहते हैं, और अभी वो कह रहे थे कि हम देखेंगे कि हाई कोर्ट क्या रीजंस देती है, क्योंकि हाई कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुनाया है, रीजंस नहीं दी कि किन वजूहात के बिना पर ये रिजेक्ट की गई है, और वो कह रहे थे कि अगर हम देखेंगे कि रीजंस कोई सॉलिड नहीं है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से रिजू करेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट का स्कोप इसलिए भी थोड़ा कम हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले बेल थी वो जब रिजेक्ट की थी तो हाई कोर्ट की जो लिमिट्स थी, और एक जनरल तासर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी थी पहले वाली तो दोबारा बहुत शुक्रिया आप देखते हैं खास साहब क्या कर, बहुत शुक्रिया जनाब। मैं तिब्बी बुनियादों पर जो उनकी जमानत है उसका इम्कान कम हो गया, अब तो मेरिट पे जाना पड़ेगा। अब आप देखें जैसे जो भी फैसला करें सुप्रीम कोर्ट, अगर कोई नई डेवलपमेंट ना हो तो मुझे इम्कान यह नज़र आता है। ठीक, अब आ जाते हैं जी जनाब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की जानेब, आज उनके फिर रात को 10:15 प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए गए थे, आज वो आए हैं कौमी असम्बली में, गुफ्तगू भी की, बाद में मीडिया से भी मुखातिब हुए बिलावल भुट्टो के साथ बैठकर, तो जो असम्बली में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने गुफ्तगू की उसका हम इंतखाब हमने कुछ किया, सुनिए। उन्हीं से हम वसूल कर रहे हैं जो पहले टैक्स देने वाले हैं, और बाकी हमने एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट किया हुआ जहाँ से मैं आ रहा हूँ, इतना खौफ है इंडस्ट्रियलिस्ट को, इतना खौफ है आम बिजनेसमैन को कि वो किसी हाथ चीज़ में हाथ डालने के लिए तैयार ही नहीं है। चेकबुक पे अगर 5 लाख के ऊपर आपके पैसे हैं तो आप FPR का नोटिस है, आइए हिसाब दीजिए। आप पूरे मुल्क में कौन कौन हिसाब देगा, कहाँ कहाँ तक हिसाब होगा, ये हिसाब किताब बंद किया जाए और आगे की बात की जाए। मेरे पकड़ने से पार्टी को फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मजबूत होती है। आम लोग जो हैं वो खौफ सजदा है कि जी राई साहब पकड़े जा सकते हैं तो फिर हमारा क्या बनेगा। इनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और जो ताकतें इनको लेके आई हैं उनको भी सोचना चाहिए, ऐसा ना हो कि कल एक पूरी आवाम खड़ी हो जाए, पूरा मुल्क खड़ा हो जाए, और फिर ना हम संभाल सकेंगे, ना पॉलिटिकल पार्टी संभाल सकेगी, ना कोई और संभाल सकेगा। जो हमें नज़र आ रहा है इनको नज़र नहीं आ रहा, मुझे नज़र आ रहा है कि ये हो सकता है। अरे ये बड़े काबिल गौर उनकी गुफ्तगू है जो उन्होंने की। शाम साहब सबसे पहले तो सेहत के हवाले से कुछ ज़्यादा फिट दिखाई नहीं दिए, क्या ये तासुर दुरुस्त है? आपकी सेहत तो उनकी ख़राब है ना, मुसलसल अद्वियात उनकी काफ़ी, एक उनके पास अब बैठे तो काफ़ी गोलियां जो हैं वो खाएंगे, खाते नज़र आएंगे, खाना भी उनका अपना होता है बहुत परहेजी किस्म का, वो जब आप खाने पर वो बुलाते हैं आप या किसी दूसरी जगह खाना खाते हैं इकट्ठे तो वो अपना खाना खाते हैं और वो एक बड़ा परहेजी खाना होता है। एक आध बार मैंने कहा कि भाई आपने ये मुझे भी ज़रा परहेजी खाना खिला दीजिए मैं ताकि मैं तो फिर इसी, और फिर आप देखें तो वो खाना वाकई परहेजी था, और उसमें फिर वो जो उनके पास उनका जो दही है, एक दिन दही उन्होंने खिलाया बहुत मज़े का दही था। अब वो जो मीठा दही नहीं उसके अंदर जब वो जिस भैंस का दही था, ऊँटनी का दही तक किसका दूध, उसको ख़ास गजा दी जाती है। अच्छा, और वो गजा से दी जाती है दूध लेकर फिर उसको दही उसका बनाया जाता है, और वो एक अपनी उसकी एक लज्जत है। तो बहरहाल जरदारी साहब जो आज आजकल है वहाँ तो दस्तयाब नहीं होगा, जो आज बात कह रहे थे हो सकता है घर से खाना आता हो तो दस्तयाब हो जाए। देखिए बात क्या है, मैंने उनको खिलाते हुए ज़्यादा पाया है, खाते हुए कम पाया। ये जरदारी साहब आज बात कह रहे हैं जो केसेस इन पे बने हुए हैं और जिस तरीके के सनतकार भी उसमें इन्वॉल्व हैं, बिजनेसमैन भी इन्वॉल्व हैं, गोया वो ये समझ रहे हैं कि वो जो बिजनेसमैन हैं वो उससे मुतासर हुए हैं, और उनको यानी बिजनेस जो मामूल की बिजनेस एक्टिविटी है
उसको एक मुतसर किया गया, ये भी एक इशारा इसमें ये भी है। तो बहरहाल देखिए, लेकिन ये जो इन्होंने बात की है, अगर उसका ये जो कहते हैं कि जी आम शहरी परेशान है कि अगर जरदारी साहब पकड़े जा सकते हैं तो मेरा क्या बनेगा, इसका एक तो पहलू वह जो उनकी दानिश में है कि जितनी इनसे, एक पहलू ये भी तो हो सकता है कि जरदारी साहब अगर पकड़े जा रहे हैं तो इसका मतलब है कानून की हुक्मरानी है, अगर साबिक सदर पकड़ा जा रहा है तो फिर तो अब मौजूदा वज़ीर आज़म भी पकड़ा जा सकता है, बिल्कुल पकड़ा जा सकता है, इससे पहले ही वज़ीर आज़म पकड़ा गया क्या? और जब ज़ुल्फ़िकार भुट्टो साहब पकड़े गए थे ना, हाँ जी, और उनको सजा हुई थी तो उस वक्त भी हम यही दलील दिया करते, मेरी उम्र वही थी जो आपकी थी। अच्छा। और जब मुझसे बहस करते थे भुट्टो साहब के हामी, तो हम उनको यही दलील दिया करते थे कि जनाब ये देखिए जो कानून और उंगली और हदीस सुनाया करते, रसूलल्लाह ने फरमाया अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी सरसरन चोरी करे उसके हाथ भी काटे जाएंगे, तो हम समझते थे अब मुल्क में एक कानून की हाकमियत कायम हो जाएगी। अच्छा, और आपको भी इंकलाब नजर आ रहा है, वजीर आजम को अगर फांसी लग गई इंकलाब नजर आ रहा है। हाँ जी, इंकलाब ऐसा यानी जो आपको उतना नजर नहीं आता जितना मुझे नजर आता था। नहीं, आप तो दाई थे उस इंकलाब, ठीक है ना, तो इसलिए ये सारी बातें हैं कहने की और करने की, और इस क्योंकि देखिए मुल्क में ये सेलेक्टिव होती है ना अकाउंटेबिलिटी भी, एक आदमी एक जुर्म करता है या उसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है उसको धर लिया जाता है और दूसरा जो है वो दंदनाता फिरता है। अब पनामा केस को ही देख लीजिए, 400 लोग थे ना उनके नाम आए, वो बाकी कहाँ है, उनका कोई जिक्र उनका भी, तो इसी तरह कहाँ आएगा। अब अच्छा, ये एक बात उन्होंने बड़ी आम की शाम, अब हिसाब किताब बंद करके आगे की बात की जाए, असल में ये पता नहीं वो जाती बात कर रहे हैं ये कौमी का। वैसे तो इस वक्त जो एमनेस्टी स्कीम का ऐलान हुआ है, हाँ, वो हिसाब किताब बंद ही हो रहा है ना, हाँ, उसमें सिर्फ सियासतदान या पब्लिक ऑफिस होल्डर शामिल नहीं किए गए उसमें, लेकिन अदरवाइज आप देखिए जो तमाम बिजनेसमैन हैं मुल्क के, उनके लिए एक मौका है कि वो पुराना हिसाब किताब दे दें, हाँ, और आइंदा के लिए अपने खाते दुरुस्त करें। जरदारी साहब ने ना वो जो इकोनॉमी के ऊपर बड़ी मुस्बत तजावीज भी कुछ दी, सुना दो जरा एक टुकड़ा, थोड़ा सा देखिए। प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स हैं जिस पे ऑपोजिशन और हुकूमत हम साथ बैठ जाते हैं, हमें कोई इशू नहीं इस बात का, और साथ बैठ के एक पॉलिसी इकोनॉमिक पॉलिसी पे हम बात कर लेते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी को एक हमेशा के लिए। कहते हैं तीन चार इश्यूज ऐसे हैं जिसमें इकॉनमी है, जिसपे साथ बैठ जाते हैं। ये तो कल शबाशिफ साहब ने मिसा के मईशत की बात की, जरदारी साहब ने बात की, लेकिन इसके जवाब में हमें हुकूमत की जानब से कोई मुस्बत इशारे नहीं मिल रहे, और जो इन दोनों पार्टियों के दीगर रहनुमा हैं उनको भी उम्मीद नहीं है कैसा कुछ हो पाए, जैसे कल सरदार अयाज सादिक कह रहे थे। देखिए, जब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ना हो और इकोनॉमिक पॉलिसीज का तसलसल ना हो, उस वक्त तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इस वक्त मुझे दिन रात लोग मिलते हैं, FIA है, NAB है, FBR है, जो बिजनेसमैन है ना उनके पीछे बस हाथ धो के पड़े हुए सब, और मेरे पर लोग आते हैं जी रिश्वत का रेट बढ़ गया है और हर शख्स जो अपना हिस्सा बटोरना चाहता है। तो आप जब तक एक इसको इस्तलाहात नहीं लेके आएंगे, और ये सियासत आप करते रहे, देखिए अकाउंटेबिलिटी होती रहे, वो अदारे उसके लिए मौजूद है ना, वो मुकदमे कायम करें, तहकीकात करें, उसको एक तरफ रख दीजिए, लेकिन ये जो पॉलिसियां हैं इनके तसलसल पर आप इत्तफाक कर लें, और अपोजिशन और हुकूमत मिलकर इसी तरीके से आप कोई इम्कान दिखाई देता है, अगर इम्कान ऐसा कोई इत्तफाक नहीं होता दिखाई देता, अगर ऐसा नहीं होगा, अगर अपोजिशन जमा जौकड़ी मचाएगी या उस पर मजबूर होगी, तो फिर नतीजे में जो इकोनॉमिक तरक्की है ना उसका ख्वाब अधूरा रह जाएगा। खा देखिए, खा कौमी तरक्याती कौंसिल में खुद हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठकर तशरीफ रखें, उनको भी अगर आप वो तशरीफ रख रहे हैं उनकी जिम्मेदारियों में इजाफा हुआ है, अब उनको ये भी देखना है तो इकोनॉमिक तरक्की मुआशी तरक्की जुड़ी हुई है सियासी इस्तेहकाम के साथ, सो ऐसे इकदाम मुसलसल करने की जरूरत है जिससे सियासी इस्तेहकाम पैदा हो, उसी से एतमाद आएगा ना, अगर अब उसी से एतमाद आएगा, ये सियासी इस्तेहकाम अगर नहीं होगा मुआशी तरक्की मुमकिन नहीं होगी। चले एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि शफकत महमूद साहब भी फिर आज बोले, उन्होंने कहा जी ये बड़ी करप्शन करने वालों को आज लीडर बनाकर पेश किया जा रहा है और 30 साल से बारे लेने वाले करप्शन। अच्छा, अब एक बात मैं बताऊँ, ये शफकत महमूद बड़े ढंग के अफसर और बड़े एक बेनजीर भुट्टो के बड़े करीबी थे और पसंदीदा थे उनके,
लेकिन फिर इन्होंने तंग इस्तीफ़ा दिया जरदारी साहब से दे चौके और फिर ये मिल गए फारूक लगारी साहब के साथ। अब उसके बाद आज जो क्या फिर ये जनाब जब मुशर्रफ की हुकूमत आई तो सूबाई वजीर इत्तला थे, उसके बाद ये एक मुशीर बन गए अनडिक्लेयर्ड जनाब हमारे शहबाज शरीफ साहब के, और शहबाज शरीफ साहब की हर मीटिंग में जब हम भी शरीक होते थे ये मीडिया के साथ होती थी, ये भी बिल्कुल एक माशाल्लाह एक वीआईपी सीट पर विराजमान होते थे। तो अब अगर आज वो उन सब लोगों को कोस रहे हैं और उनको करप्ट करार दे रहे हैं तो उनकी रफाकत का शर्फ तो इन्होंने भी हासिल किया। हो सकता है अपने आप को भी कोस रहे हो। नहीं देखे ना, एक ढंग के आदमी है, पढ़े लिखे सुलझे हुए। मेरा ख्याल है ऐसे मामला पे ना इन सियासतदानों को चाहिए कि बरमला ये सियासतदान तो थे मेरी जो फलां फलां के साथ रफाकत रही वो मैं उस पर विचार रहा हूँ। ये सरकारी अफसर थे ना, फिर उसके बाद सियासत में आए, ढंग के आदमी है, मुझे बड़े पसंद है, बड़े अच्छे दोस्त है। लेकिन पर ये जहाँ आप जिस रकाबी में हम नवाला रहे हो आप उसका जरा मुनासिब नहीं लगती बात उसके बाद। चलो एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं कुछ मजीद मौजूद के साथ। वेलकम बैक नाजिन। बजट के ऊपर इजलास हो रहे हैं, उससे बहस भी हो रही है, जरदारी साहब की तकरीर का भी हमने जिक्र किया प्रोग्राम में, तो असद उमर साहब साबिक वज़ीर ख़ज़ाना आज मुखातिब हुए, उन्होंने क्या कहा आइए देखते हैं। ये सिस्टम ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर इधर से बटन दबाएं और उधर से रिजल्ट निकल आते हैं। कम से कम टैक्स जो है टर्नओवर टैक्स जो है उसमें इजाफा कर दिया गया है, सवा एक से 1.5% कर दिया गया है। जो नई इन्वेस्टमेंट ला रहा है उसको कम से कम पहले 5 साल के अंदर इस मिनिमम टैक्स से मुस्तस्ना करना चाहिए, और इसी तरीके से टैक्स क्रेडिट है BMRE के ऊपर उसको खत्म किया जा रहा है, मेरे ख्याल में तो उसको रिस्टोर होना चाहिए। खादों की कीमतें बड़ी तेजी से बढ़ी हैं, या तो फौरी तौर पर फैसला करके आप GIDC को खत्म कर दें और ये 400 रुपए बोरी की कीमत कम करवाएं, या वो जो ले रहे हैं उनसे पैसा वापस रिकवर किया जाए। तेजी से चीनी की कीमत में इजाफा हुआ है, मेरे ख्याल में उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तो एक तो ये चीनी के ऊपर मेरे ख्याल में टैक्स जो है ये मुनासिब नहीं है जो बढ़ाया गया है, इसको वापस करना चाहिए। खुर्दनी तेल और घी की कीमतों के ऊपर जो टैक्स लगाया गया है मेरे ख्याल में वो भी मुनासिब नहीं है। छोटी गाड़ियों के ऊपर ऑल्टो के ऊपर भी हमने FED बढ़ा दी है, मेरे ख्याल में इस कदम को भी दोबारा इसकी नजरसानी करने की जरूरत है। 5,250 रुपए महीना होती थी पेंशन, उसको बढ़ा के हमने 6,500 रुपए किया है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको बढ़ाकर भी दोबारा हम जो है 10 से 15% कम से कम और बढ़ाएं। जितने भी मेहनतकश हैं उन मेहनतकश जो आज एलिजिबल हैं EOBI के लिए सोशल रजिस्ट्रेशन के लिए, उन सब की सोशल रजिस्ट्रेशन की जाए। घर में काम करने वाले लोग हैं, बाकायदा मुहिम चलाई जाए ताकि उन सबको भी रजिस्टर किया जा सके। मेरी ये दरख्वास्त है अगले 4 साल हर साल 50,000 घर जो है मजदूरों के लिए बनाए जाएं। ये मजदूरों की मेहनत से पैसे जमा हुए, अरबों रुपए फाइनेंस मिनिस्ट्री खा के बैठी हुई है, उसी पैसे को इस्तेमाल। मुझे लगा कि अपोजिशन बेंचों से कुछ शख्स मुखातिब है, शुगर पर भी कुछ बोले थे ना, शुगर पर बोले तो हैं कि चीनी की कीमत में जो 3 रुपए प्रति किलो इजाफा हुआ है, नहीं उस पर हिस्सा था, उन्होंने कहा उसकी तहकीकात होनी चाहिए। देखिए बात उनका शेख रशीद को तो कबूल नहीं होगी ये बात। तो देखिए जब IGI की हुकूमत कायम हुई और उसमें काजी हुसैन साहब भी शामिल थे नवाज शरीफ साहब के साथ, तो एक वजीर भी शामिल हो गया उनका पंजाब काबीना में। तो अब उसके बाद वो कहने लगे नहीं हम हुकूमत के अंदर रहकर अपोजिशन किया करेंगे, हुकूमत के अंदर रहकर अपोजिशन किया करेंगे। वाह, तो वो उन्होंने फिर अपोजिशन का रोल अदा किया। अब जो असद उमर हैं वो हुकूमत के अंदर रहकर अपोजिशन लीडर बन रहे, लेकिन तजावीज सारी बड़ी साहिब दिखाई दे रही थी। आप देखिए जो असद उमर हैं ये PTI की आवाज हैं। हाँ, रियल इन पे बैंक किया गया था, ये वो मसीहा जो मुल्क को तमाम तर इक्तिसादी जो क्राइसिस है उससे निकालेगा। ये तब्दीली है, वो तब्दीली की आवाज है, यानी ये खान साहब के साथ स्ट्रगल की है, चले हैं ताकि क्या PTI क्या तब्दीली लेके आएगी। ये कोई वो बाड़े के टट्टू नहीं है कि कहीं से पकड़ के जनाब अपना काम कराने बैठ जाए। एग्जैक्टली, तो इसलिए अब ये इनके अंदर एक फर्क है, लेकिन अब इनको उन्होंने निकाल बाहर किया, लेकिन दाद देनी चाहिए कि वो बोले अपना माफी जमीर, और जो शोभा जात पे तनकीद होनी चाहिए थी की और खुल के हमारे जो कायदे इस पे इख्तलाफ है शहबाज शरीफ साहब, उनको भी इसी तरीके से तजावीज़ देनी चाहिए थी। मगर देखिए एक तो बात यह है, हर तजवीज़ जो है ना
उसकी कोई कॉस्ट है, उसके कुछ पैसे उस पर लगते हैं। ये बताना चाहिए कि ये जो पैसा यहाँ से कम होगा जनरेट, ये कहाँ से किया जाएगा। ये नहीं देखा ना, अगर आप एक रिलीफ देते हैं और उस पर फर्ज कीजिए 10 करोड़ रुपया खर्च होता है चाहिए। या 10 अरब होता है, तो आप ये तो बताइए कि आप इसको, आप यहाँ से पैसे ले लीजिए दूसरी जगह से, वो जगह कभी तक तय हो ना। बजट पर जो यानी एक बड़ी मैं समझता हूँ बहस है, वो इस तरीके से भी होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं फवाद चौधरी साहब की कल हामिद मीर साहब से गुफ्तगू का एक हिस्सा है जो मुंतखब हमने किया कि वो दिखाने के काबिल है, क्योंकि अगर यही बात अपोजिशन या कोई तज्जिया नगार या कोई ओपिनियन मेकर करे तो उस पर हुकूमत एतराज़ करती है कि ये गलत बयानी कर रहे हैं, और फिर नैब के हमारे दोस्त भी उस पर नाराज़ होते हैं। लेकिन ये फवाद चौधरी साहब का बयान है, हमारा नहीं है, ज़रा देखिए। हमने वादा किया था हम एहतसाब करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम वो जिनका एहतसाब करना था हमने कामयाबी से किया। आप कर रहे हैं या नैब कर रही है? नहीं, हम कर रहे हैं। इससे पहले कहां थे नैब? इससे पहले कहां थे? यही कर रहे हैं, कहते रहे। ये आज आपने क्या बात कर दिया कि आप एहतसाब कर। देखिए, ये फवाद चौधरी साहब जो है ना, ये हो चुके हैं मजजूब। मैं तो कहता हूँ ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। नहीं, एक्टिव सच बोलना शुरू कर दिया उन्होंने, ना जुबान काबू में ना हाथ काबू में। देखें ना, ज्यादा वाइब्रेंट हो गया। एक बड़ी अच्छी तवक्कुआत थी मेरी, कुछ अब भी हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं और नए लोग आने चाहिए इस तरह के पॉलिटिक्स में, लेकिन मालूम होता है कि वो जट ज्यादा है और पॉलिटिशियन कम है। नहीं, उस पर तुमने इतराफ किया था कि बिल्कुल जट हैं और नहीं, सच्ची खरी बात करेंगे, डंके की चोट पर करेंगे, कर दी उन्होंने। नहीं, खरी बात ठीक है, चलिए। और ये जो अपोजिशन है गवर्नमेंट की, यानी नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम, वो यही तो कह रहे हैं और बार बार कि ये एहतसाब जो है वो नैब के चेयरमैन नहीं कर रहे, हमारा ये नैब नहीं कर रही, ये इमरान खान कर रहे हैं, तो उस पर उन्होंने मोहर तस्दीक लगा दी। मैं शेख रशीद साहब का जिक्र करूंगा। शेख साहब भी इसी तरह की बातें करते हैं। वो जो रेलवे का हादसा उसका बाद में, लेकिन पहले क्योंकि ये गुफ्तगू ऐसी हो रही थी कि भी जो बयान हैं उसकी हमने सीरीज एक रखी थी, उनका सुनो क्या कह रहे हैं। मेरी और शहबाज शरीफ की एक ही पार्टी है, हमारी मदर पार्टी दोनों की एक है, समझ गए ना, अवामी मुस्लिम लीग। पर आज दो मुस्लिम लीगें हैं, एक शहबाज मुस्लिम लीग है, एक नवाज मुस्लिम लीग है। शहबाज मुस्लिम लीग डील में और नवाज मुस्लिम लीग के जो अगले वारिस हैं वो कहते हैं कि जलसा जलसा और जुलूस जुलूस खेलेंगे, खेल लें। नवाज शरीफ साहब तो समझते हैं माहौल को। जिस बच्ची ने आज उनको इस जगह पे पहुंचाया वो विरासत की लड़ाई में, क्योंकि अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो शहबाज शरीफ नहीं, हमजा शहबाज भी नहीं बच सक रहे। जब मैं ये कहता था ये डील और ढील मांग रहे थे तो लोगों को यकीन नहीं आता था। आज दोनों पार्टियों के बड़े लीडरों ने असेंबली में कहा आए बैठे, मिसाक के मईशत के लिए वो तैयार हैं। उनको अंदाजा नहीं है इमरान खान आखिरी ऑप्शन है, फिर उसके बाद मॉडर्न कोर्ट होंगी। अगर इमरान खान ना हुए तो जो आज इनको इंसाफ मिल रहा है, जिस तरह ये जा रहे हैं कोर्टों में, जिस तरह मीडिया खेल रहे हैं, मुझे तो कुछ कहना पसंद करेंगे आपके खान साहब वाकई आखिरी उम्मीद है? देखिए, बहुत से लोग यही कह रहे हैं कि अगर खान साहब से भी हालात काबू में नहीं आएंगे और ये पार्टीज जो हैं इनको भी डिसक्रेडिट किया जा रहा है तो फिर किसी और के लिए भी कोई रास्ता हमवार होगा। तो ये शेख साहब जो कह रहे हैं ना, ये हमारे शहबाज शरीफ साहब जो डील का इल्ज़ाम है जिनके ऊपर, उनके हाथ क्या आया है? देखें, एक बेटा लंदन में है, दूसरा बेटा जेल में है, खुद नैब की कस्टडी में है और खुद वो बेल पर हैं, तो उनके उनको उस डील की बातें करने से क्या हासिल हुआ है? ये तो शहबाज शरीफ साहब को सोचना चाहिए, नहीं दूसरों को सोचना चाहिए। इसका मतलब ये है, देखिए ना, अगर 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 उनको रिलीफ मिल जाती और किसी दूसरे को भी लेके देते तो बात समझ में आती। और अब जो अब ये जो कह रहे हैं ना शेख रशीद साहब, एक बात यह है कि अब अगर मुल्क में दंगा फसाद मचना है ना, इसकी तरह वो इशारा कर रहे हैं, तो फिर हर दंगा फसाद की कुछ कीमत दी है हमने हमेशा से अल्लाह ना, इसकी भी अदा करनी पड़ेगी। चलें एक इसलिए ये हमारे हमसाये को देखिए, भारत को एक एक डगर पे 70 साल से चल रहा है और वो डिलीवर कर रहा है पहले दिन से, पूरा करप्ट, हमसे ज्यादा करप्शन है वहां से, जो भी है, जो जैसा भी है, समाज में मसाइल है लेकिन एक डगर पे चल रहा है
और कचवे की चाल चल रहा है और आहिस्ता 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 आगे बढ़ रहा है। और ये जो नहीं, आप ये देखिए, अगर आप वहाँ कोई बहस नहीं होती कि हुकूमत कैसे जाएगी, चली ना जाए, ये आ जाएंगे, फे हो जाएगा, नहीं, ये पाकिस्तानी एक ऐसा मुल्क हमने बना दिया तमाशा पूरी दुनिया में, जैसे सिखों की रियासत होती है। एक ब्रेक में ले रहा हूँ, अब यहाँ पे एक ब्रेक के बाद मिलते हैं तो सिंध असेंबली के इजलास का जिक्र होगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक और बड़ा अहम मामला था शामी साहब, गवर्नर सिंध ने जो सिंध असेंबली के इजलास बुलाया गया 10 जून को दस्तखत किए गए थे उस मामले पर। नहीं, पहले तो उन्होंने गवर्नर सिंध को रिक्वेजिशन भेजी जी, जिन पर उन्होंने दस्तखत नहीं किए फौरी तौर पर, तो हुकूमत ये मायूस हुई इससे और उसने समझा गवर्नर साहब जो है इसमें लतोलाल से काम ले रहे हैं। उन्होंने अरकान असम्बली से रिक्वेजिशन ली, अरकान असम्बली भी तो इजलास बुला सकते हैं ना जी, रिक्वेजिशन लेके और इजलास बुला लिया। अब बाद में मालूम हुआ कि वो तो अरकान असम्बली के दस्तखत जाली थे उसके ऊपर जी। अब ये मामला, ये हमारे अब्दुल जब्बार नासिर जो हैं उन्होंने इसको इस रिपोर्ट किया है। अब्दुल जब्बार नासिर साहब फिलहाल रबते में नहीं आ रहे, कुछ वक्फा ले लेते हैं इस मौजू पर कि बताएं कि क्या मामला था। मीनवाइल जो एक और मामला वहाँ पे हैदराबाद में पेश आया, जिना एक्सप्रेस खड़ी मालगाड़ी से जा टकराई, सिग्नल सिस्टम, कांटा सिस्टम, ऑटो सिस्टम कहाँ था, अमला कहाँ था, किसी कुछ इल्म नहीं है। 3 अफराद के जहाँ भाग होने की इतला है और शेख साहब के जो मैं तबसरे सुन रहा था मुख्तलिफ चैनल्स पे, वो ये फरमा रहे थे कि मुतल्लिका अफसरान फ़ोन नहीं उठा रहे, तहकीकात की जा रही, इंक्वायरी की जा रही है। शेख साहब के फ़ोन अगर नहीं उठा रहे हैं शेख साहब, तो शेख साहब को कोठे सोचने का मुकाम है, छलांग लगानी चाहिए अब, या मीनार पाकिस्तान पर आ जाए और ऊपर छलांग। अब दो मामला, एक तो है जुल्फिकार महतू साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी लाहौर से, वो रेलवे के मामले तक गहरी नज़र रखते हैं, उनसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि हो क्या रहा है, नई ट्रेनें बहुत चल रही हैं तो क्या मैनेज भी हो पा रहा है या नहीं। और असलम खान साहब ने चूँकि इस हादसे को रिपोर्ट किया है, दोनों टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। खान साहब, सबसे पहले आप फरमाएं ये क्या वाक़ है और अब तक की क्या फाइंडिंग्स हैं? देखिए, अभी तक तो इब्तदाई तौर पर यही आया है कि जो सिग्नल है उसको नहीं देखा ड्राइवर ने और यह हादसा पेश आया और मालगाड़ी जो पठानकोट के स्टॉप पे खड़ी थी पीछे से आने वाली जिना एक्सप्रेस ने उसको हिट किया है। 3 अफराद के जान बाँक होने और मुतादिद इसमें जख्मी हुए हैं। लेकिन चलें, जो बात हुई ना कि ये क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था और क्या चीज़ होगी, एक बड़ी अजीब सी एक सूरत हाल ये हुई है कि 3:30-4 बजे जब यह हादसा हुआ उस वक्त तो नहीं पता था, लेकिन अजमल जामी साहब मैं आपको ये बताऊँ कि 6:30 बजे हमारे रिपोर्टर लियाकत राणा साहब जब कैंट स्टेशन पर मौजूद थे, वहाँ से उन्होंने अपडेट दी कि यहां पर स्टेशन मास्टर भी नहीं है, यहां पर रेलवे इंक्वायरी का अमला ये बताने में तैयार ही नहीं है कि ये ट्रैक कब बहाल होगा, जो मुसाफिर वहां पर मौजूद हैं उनकी भी रहनुमाई के लिए कोई वहां पर दस्तयाब नहीं था। तो इससे अंदाजा लगा लें कि वो तो 3:30 बजे हादसा था उस पर नहीं पता लगा, लेकिन इसके बाद जब नोटिस ले लिया गया, एक वाक्य हो गया, कराची से रिलीफ ट्रेन चली गई, उसके बाद 6:30 बजे भी यह सूरत हाल थी कि मुसाफिरों को कोई चीज नहीं बताई गई थी। अभी तो जिस तरह उस वक्त मैं तो साहब बता रहे थे कि 8 बजे तक यह ट्रैक बहाल हो जाएगा, 7:30 तक वो ट्रेन पहुंच भी जाएगी और बल्कि पहुंच रही होगी और उसके बाद ये कार्रवाई होगी। लेकिन पहले भी इस तरह के हादसात होते रहे हैं और जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि सिग्नल का, कांटे का, वहां जो लाइनमैन होते हैं, ये जो मसाइल हैं ये मैं आपको साथ रखूंगा, मैं तो साहब की तरफ चलते नहीं, मसाइल तो अपनी जगह, वो कहते हैं तो मेरा फोन नहीं सुन रहे वो ये सरकारी अफसर। जुल्फिकार महतू साहब, ये क्या मामला है कि वजीर रेलवे का मुतल्लिका अफसर फोन नहीं सुन रहा और जिन पहलुओं की जानिब असलम खान साहब इशारा कर रहे हैं, नई ट्रेनें तो आए दिन इफ्तिताह होते हैं, वज़ीर आज़म साहब इफ्तिताह कर रहे हैं, तो ये क्या मामला, चल कैसे रहा सिस्टम? नहीं, पहले तो मैं आपको ये खबर दे दूं कि अभी मेरी डीटीओ कराची है शिजात हुसैन, उनसे बात हुई है, तो जिस ट्रेन को हादसा पेश आया जना एक्सप्रेस को, वो अगले 20 से 25 मिनट में रवाना हो रही है और ट्रैक खुल रहा है और पीछे जो कराची में तेजगाम खड़ी है, लामाकबाल एक्सप्रेस खड़ी है, इस तरह 2-3 ट्रेनें और खड़ी है, ये वहां से रवाना हो जाएंगी और लाहौर से चलने वाली गाड़ी जो कि अभी कराची हैदराबाद से बहुत दूर है तो उनका इश्यू नहीं होगा। एक तो ये, दूसरा ये है कि एक खबर ये है कि जो गार्ड था इमरान शाह उसके बारे में वो हलाक हो गया है, कोई कह रहा है वो जख्मी है, लेकिन अभी मुझे जो कराची डिवीजन के एक बड़े अच्छे आला अफसर है उन्होंने कहा है कि ये बंदा मिसिंग है, हमें ये पता ही नहीं है कि ये कहाँ है, ये मिसिंग है इमरान शाह जो गार्ड है मालगाड़ी का। तो इस तरह एक असम जो ड्राइवर था जरा एक्सप्रेस का, वो तो हलाक हो गया बेचारा, वो तो जाबाक हो गया, लेकिन असम शाह ये इमरान शाह गायब है। अच्छा, जहां तक आपने बात की इंक्वायरी मिसिंग है, नहीं पता कहाँ है, भाग गया है इसका, कहीं नहीं कहा है, नहीं वही कहते हैं पता नहीं भाग गया है, वो छलांग लगा गया, कोई कहता है कि वो अभी जख्मी थी, वो तो कुचला गया, वो जख्मी हो गया हो,
अब पता कोई नहीं कोई कहाँ पे है, यानी रोले के इंतजामियों को इनका इसका कुछ पता नहीं। इमरान शाह किधर है इस वक्त तक सूरत हाल में आपको 5 मिनट पहले तक की दिखा रहा हूँ। अच्छा, जहाँ तक बात है लोहरा हेलीकॉप्टर रेलवे की, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि अभी हमने ये दो तरह की इंक्वायरी होती है जामी, एक होती है जो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन कराती है और एक होती है जो फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑन द बिहाफ ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट करता है। तो दोनों तरफ से अभी इंक्वायरी ऑर्डर नहीं हुई है। उनका ये कहना है कि पहले हम ट्रैक बहाल करेंगे फिर इंक्वायरी की तरफ जाएंगे, यानी हमारी पहली तरजीह जो है वो ट्रैक की बहाली और ट्रेनें चलाना है, उसके बाद देखेंगे इंक्वायरी में क्या हुआ क्या है। बाजी नजर में ये लगता है कि ये जो अभी बात कर रहे थे हमारे दूसरे साथी कराची से कि उसने सिग्नल नहीं देखा, ये कभी होता ही नहीं है कि ट्रेन का ड्राइवर ट्रैक के ऊपर सिग्नल ना देखे। ये सिग्नल का जो सिग्नल वो देखता है उसके मुताबिक वो मूव करता है, ट्रेन को लेके वो आगे बढ़ता है। तो ये ट्रैक ये अभी 5-6 काजेज हो सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि इंक्वायरी नहीं हुई इस बारे में अभी बहुत पहले होगा कि हम कुछ कहें। फोन ने सुन आप ये बताइए कि जो ना सुनने वाली बात बता रहे हैं जी वो जी शेख साहब का जहां तक फोन नहीं सुनते हैं तो वो देखे वो शेख साहब से। मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ कि रेलवे की जो ब्यूरोक्रेसी है वो शेख साहब से तंग है। वो कहते हैं कि ये पुरानी ट्रेनों के पुराने डब्बे उठा उठा के हमसे कर रहे हैं ट्रेनें चला रहे हैं। बैकअप पे हमारे पास कोई चीज नहीं बची। बैकअप पे बैकअप होता है कि एक पूरी ट्रेन होती है, 3-4 इंजन होते हैं। कोई ट्रेन अगर इस तरह से रुक जाए या कोई डैमेज हो जाए तो इंजन बेचते हैं, ट्रेन की बुकिंग बेचते हैं। उनके पास बैकअप में एक ट्रेन भी नहीं है। एक्सीडेंट हो जाएगा तो 3-3-4 जैसे पहले 2.5 दिन ट्रेनें बंद रही है उसी तरह से अब भी होगा। तो ये एक पॉलिटिकल फैसले शेख साहब कर रहे हैं, जो रेलवे के इंतजामिया के जो अफसर हैं वो इससे खुश नहीं है। प्रोफेशनली वो इनको बिल्कुल गलत करार दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जैसे शेख साहब की हुकूमत खत्म होगी तो भुगतना हमें पड़ेगा। तो इस वजह से वो शेख साहब को पता नहीं कौन फोन नहीं सुन रहा। वो ये लाहौर हेडक्वार्टर में अभी तो थोड़ी देर पहले तक ये था कि वो हलाक हो गए हैं, लेकिन कराची डिवीजन ये कह रही थी कि अभी हलाक नहीं हुआ ड्राइवर। तो ये क्यास है, ये कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा गैप है, निजाम के अंदर बहुत बड़ा फ्लॉ है जिसको ट्रेनें मुख्तर ये बताएं कि ये पाकिस्तान में आए रोज ट्रेन हादसा क्यों होते हैं, क्योंकि 2017 में भी एक इंक्वायरी हुई, 18 में भी हुई, जब से ट्रेन चल रही है पाकिस्तान में यानी हजारों हादसा हो चुके हैं और सैकड़ों अफराद जहां भाग हो चुके हैं। तो उसकी वजूहत भी आइडेंटिफाई भी किया जाता है, लेकिन फिर भी देखिए मैं आपको बताऊं, मैं बुनियादी वजह ये आती है कि ये जो ट्रेन हादसे के कॉजेज होते हैं ना, इनमें से आप देखें 90% उन्होंने ड्राइवर जो बेचारा जाम बाग को उस पर डाला है कि उसकी वजह से ये हादसा हो गया। हालांकि ये बात नहीं, पूरा निजाम है, ड्राइवर क्या सारे नशे में थे, यानी 90% ड्राइवर नशा करके चलते थे, जब वो बेचारे बेहोश होते थे या वो सोए हुए होते थे, ये बिल्कुल गलत बात है। वजह उसकी दरअसल ये है कि जितने लोग आज तक हादसे में मुलव्वस हुए, सस्पेंड हुए, इंक्वायरी हुई और फिर वो सारे के सारे बहाल हो गए। यानी आपको याद है कि आपके प्रोग्राम में मैंने गुजरांवाला हादसा की एक रिपोर्ट की थी जिसमें फौजी ट्रेन गिरी थी नहर में और उसके ऊपर उन्होंने डाल दिया कि जिस ट्रेन ड्राइवर जो है वो उसको जिम्मेदार है। उसमें बेशुमार लोगों को सस्पेंड किया गया, किसी बड़े अफसर को तो छेड़ा तक नहीं गया। अच्छा, जब छोटे भी सस्पेंड हुए थे वो शामी साहब अपना सर वो सारे के सारे बहाल हो चुके हैं, नौकरियां कर रहे हैं और उसी जगह पे कर रहे हैं जहां से वो मुअत्तल हुए थे। तो जब फौजियों की ट्रेन का कुछ नहीं बना तो बाकी ट्रेनों का क्या बनेगा। बहुत शुक्रिया जुल्फिकर महतो असलम खान साहब। सर ये सियासी गुफ्तगू शेख साहब कमाल करते हैं, छक्के छुड़ा देते हैं, लेकिन रेलवे है उसकी हालत बड़ी नागुफ्ता बे थी। फिर हमने सुना कि जनाब एक बड़ा अच्छा निज़ाम हो गया था, वक्त पे चल रही थी ट्रेनें, इंजन नए आ रहे थे, एक मंसूबे बन रहे थे। अब शेख साहब जो हैं वो अब ये कहते हैं सियासी रेलवे चला रहे हैं। अब उनकी ज़ुबान ज़्यादा चलती है या रेल ज़्यादा चलती है, ये इम्तिहान है, ये इम्तिहान, ये एक सवाल है। अच्छा। जिसको यानी बच्चों को देना चाहिए इम्तिहान में। हाँ। किसका जवाब तलाश करें। चले, अब प्रोग्राम वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन सर एक ऐसी खबर थी जिसके बाद मुझे ये अंदाज़ा नहीं हो सका कि इसको ट्रीट कैसे करूं, यानी इसको खबरों में तो पीर साहब जो हैं जी, खबरों में तो उस खबर को पेश किया जा रहा है, जहरी बात है, लेकिन इस पे किस अंदाज से तबसरा करें, इस खबर को पेश करने के लिए कौन से अल्फाज मौजूद होंगे, क्योंकि लाहौर के इलाके किला गुजर सिंह में मुबैना तौर पर एक माँ ने अपने दो बच्चों को मार जला दिया, जला दिया, और एक पीर साहब के हुक्म पर कहने पर या इशारे पर। जी, अपनी फुफी की एक बेटी है जिसमें इनके बकौल पीर साहब की आमद होती है और वो जो हुक्म देती है उसके मुताबिक फिर माँ ने बच्चों मेरा ख्याल है कि ये जो मतलब मैं लफ्ज़ नहीं है कि कैसे बयान करूं, जो है नफसियाती मरीज है, ये ज़हनी बीमार है और इसका किसी ने इलाज नहीं कराया। 3 साल की एक बेटी है, 4 साल का एक बेटा है और काला जादू करती रही, जला डाला, बकरे के साथ उनको बांध दिया सुलाखें। काश इसके घर वाले कोई नोटिस लेते इसका, बर वक्त इसको पकड़ते, इसको हवाले करते किसी अस्पताल के। अब तो यानी रोने के सवा कोई काम नहीं है। कितने ऐसे जाली पीर हैं, कितने ऐसे जहनी मरीज हैं,
जो इनके शिकंजे में है और ये उनसे उनकी जिंदगियों से उनकी इज्जतों से उनके अमवाल से खेल रहे हैं। प्रोग्राम वक्त नाज़रीन ख़त्म होता है, आपसे मुलाकात होगी अब अगले प्रोग्राम में, तब तक लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। It's Sayyeda Shinaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.